गाली को गहना बनाने की कला पीएम नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं, क्योंकि जब भी कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया है तो मोदी ने उसे ही अपनी ताकत साबित किया है। प्रदेश भाजपा महामंत्री व कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के कैंपेन प्रभारी कृपाल परमार ने धर्मशाला में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को देश भर में होने वाले लाइव कार्यक्रम में मैं भी हूं चौकीदार। मैं 500 विधानसभा क्षेत्र के करोड़ों भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनेंगे। इसी कड़ी में धर्मशाला के सामुदायिक हॉल कोतवाली में पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद शांता कुमार, कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर समेत प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी में सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब भी प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया है तो प्रधानमंत्री मोदी ने उसको अपनी ताकत बनाया है। पूर्व सांसद परमार ने कहा कि जब चाय वाला उपनाम पर फप्तियां कसी तो भाजपा ने चाय पे चर्चा कार्यक्रम शुरू किया था। अब एक बार फिर चौकीदारों का मजाक उड़ाने पर मैं भी हूं चौकीदार कैंपेन चलाकर इस वर्ग को समाज में उचित सम्मान दिलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तव में चौकीदार वह है जो अपने कर्तव्यों कर्म व देश के प्रति ईमानदारी से काम करता है, वही असली चौकीदार है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 500 से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रही है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी मैं भी चौकीदार हूं इस विषय पर पूरे देश के कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करेंगे। मैं भी चौकीदार एक ऐसा जन आंदोलन है जो कुछ ही समय में बहुत पॉपुलर हुआ और करोड़ों करोड़ों लोगों के माध्यम से ये एक जन आंदोलन बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि मैं गाली को गहना बनाने की कला जानता हूँ, और उन्होंने एक गाली जो राहुल गांधी ने उन्हें चौकीदार चोर है कहकर उन्होंने नारे लगवाना शुरू किए थे, उस पर पलटवार करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैंपेन लॉन्च की थी और जिसको अरबों लोगों के माध्यम से लोगों की नज़रों से गुजर चुका है। लाखों लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं और जिस दिन प्रधानमंत्री जी होली वाले दिन चौकीदारों से उन्होंने बात की थी और अभी आम कार्यकर्ताओं के साथ इसके माध्यम से बात कर रहे हैं, तो एक ऐसा जन आंदोलन, और सबसे बड़ी बात कि इसमें राष्ट्रीयता झलकती है। ये चौकीदार का मतलब ये नहीं कोई कहीं किसी पोस्ट पे खड़ा होकर आदमी बात कर रहा है, वो भी चौकीदार है और जो राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा के साथ अब कोई भी काम कर रहा है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं निष्ठा के साथ कर रहे हैं, मैं राजनीति कर रहा हूँ तो निष्ठा के साथ कर रहा हूँ, किसान किसानी कर रहा तो निष्ठा के साथ कर रहा है, अगर बैंक वाला बैंक की नौकरी निष्ठा के साथ कर रहा है, सरहद पे सिपाही निष्ठा के साथ कर रहा है, तो हम सब लोग एक राष्ट्र के प्रति एक चौकीदारी कर रहे हैं, राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेवारी निभा रहे हैं। इस चीज को जागृत करके एक जन आंदोलन बना के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं तो कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी पारस की तरह हैं, जिसको छू ले रहे हैं वही सोना बन रहा है। इस शब्द को छुआ, इस शब्द को अपनाया तो हर व्यक्ति इस शब्द की चमक देख के इसको ग्रहण करने में लगा है और फकर से कह रहा है कि मैं भी चौकीदार हूं, और ये एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है और आने वाले चुनावों में जो चौकीदार को चोर कहने वाले लोग थे उन चोर उचकों को जनता जो है अपनी उकात उनकी उकात। मैं इस पर अभी क्या टिप्पणी करूं कि उनका परिवार जो है वो आधा इधर है आधा उधर है, कोई इस कैबिनेट में है कोई उस दल में स्थान ढूंढ रहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि कभी हमसे आ मिले कभी उनसे जा मिले, ऐसी ही कोई फितरत कोई उनसे क्या मिले।